वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। अयोध्या और काशी के बाद अब लोगों को मथुरा से उम्मीद है। इसी बीच मथुरा में बड़ा काम होने वाला है। मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल को स्थापित करने का बड़ा ऐलान किया गया है, साथ ही जलाभिषेक की तैयारी भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन से ना सही तो जोर से ही है सही। अब हिंदू संगठन जाग उठे हैं और मथुरा में ऐसा काम करने वाले हैं जिसके बाद कट्टरपंथियों में तगड़ा हड़कंप मच गया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करें तो क्या करें। जी हाँ, अखिल भारत हिंदू महासभा ने घोषणा की है कि वह देवता के वास्तविक जन्म स्थान पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित करेंगे, जो दावा करते हैं कि वहाँ एक प्रमुख मंदिर के पास भी मस्जिद है। इसके तहत महासभा ने शाही मस्जिद ईदगाह में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने का भी बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों से पवित्र नदियों का जल लेकर महासभा के पदाधिकारी मथुरा पहुंचेंगे। इस जल से आराध्य का अभिषेक किया जाएगा और उनका पूजन होगा। लड्डू गोपाल की विग्रह खुद महासभा ईदगाह में लाई जाएगी। गौरतलब है कि स्थानीय अदालतों कटरा केशव देव मंदिर के करीब स्थित 17वीं शताब्दी की मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रही है। हिंदू महासभा के नेता राजश्री चौधरी ने कहा है कि प्रतिमा को 6 दिसंबर के महाजल अभिषेक के बाद जगह को शुद्ध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। मस्जिद के अंदर मूर्ति की स्थापना के लिए चुनी गई तारीख 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को सालगिरह के साथ मेल खाती है। हालांकि हिंदू महासभा के नेता राजश्री चौधरी ने 1992 की घटना और मथुरा योजना के बीच होने संबंध से इनकार कर दिया है। शाही ईदगाह के अंदर अनुष्ठान करने के लिए महासभा की धमकी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय अदालत कटरा केशव देव मंदिर के करीब स्थित 17वीं शताब्दी की मस्जिद को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहे। उन्हें कहा है कि महाजल अभिषेक के लिए पवित्र नदियों का पानी लाया जाएगा। चौधरी ने आगे कहा है कि हमें अब तक राजनीतिक आज़ादी मिली है, लेकिन अत्याधुनिक आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी अभी हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि महासभा का मकसद आज़ाद भारत, सनातन भारत को वापस लाना है। महासभा चाहती है कि आज़ाद भारत उभर कर आए। हमारा मस्जिद या किसी परिसर से कोई मतलब नहीं है। ये मस्जिद नहीं, ईदगाह है, और इसका मतलब पब्लिक मीटिंग्स प्लेस, तो फिर ये विवादित कैसे? यहाँ कोई भी कभी जा सकता है। ईदगाह में हम खुदाई करेंगे तो आज भी ठाकुर केशवदेव मंदिर से जुड़ी मूर्तियाँ निकलेंगी। इसी वजह से 6 दिसंबर को अब वहाँ पर हम श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। इस सबके बाद कट्टरपंथियों में तगड़ा हड़कंप मच गया। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो हम विद्रोह करेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।